लॉकडाउन के मद्देनजर सड़क के रास्ते गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को स्वयंसेवी संस्था संवाद एवं एक्शन एड द्वारा अब डालमिया कोप चौक पर प्रतिदिन तैयार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण सह निबंधन विभाग के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी द्वारा किया गया। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने अपने हाथों से तैयार भोजन का पैकेट प्रवासी मजदूरों को दिया, साथ ही मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था भी की। मौके पर मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि संवाद और एक्शन एड का कार्य सराहनीय है। इस अवसर पर युवा समाज सेवी कुंदन भगत समेत दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। संवाद यहाँ व्यवस्था क्या है लोगों के लिए खाने के लिए और तैयारी के लिए, हम लोग इसका अच्छे से पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो काफ़ी परेशान चल नहीं पा रहा है क्योंकि लोग पहले तो बारिश उसमें ठंडा फरने पड़ा था, अब जो गर्मी हो गया पहले थोड़ा हो गया है, इसलिए हर हाल में हम लोग यहाँ से अब पैदल नहीं बल्कि गाड़ी व्यवस्था करके लोगों भेजेंगे। ये समाज अच्छा व्यवस्था कर रहा है, इसके बाद से यहाँ तक देख रहे हैं जो बाहरी मजदूर आ रहे हैं तो खाने के लिए देखने के लिए सही व्यवस्था करने के लिए कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं।